दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के पांचवें मुकाबले के बारे में जो कि मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच खेला गया। पहला मुकाबला हारने के बाद मुंबई इंडियंस ने दमदार वापसी करते हुए केकेआर के खिलाफ जीत हासिल कर ली है। वहीं अंतिम के ओवरों में केकेआर को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने आंद्रे रसेल और पैट कमिंस को आउट कर मुंबई को 10 रनों से जीत दिला दी है। 153 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर को अच्छी शुरुआत मिली। नीतीश राणा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की। वहीं शुभमन गिल को राहुल चहर ने 33 रन के स्कोर पर किरण पोलार्ड के हाथों कैच आउट कराया। वहीं शुभमन गिल के आउट होने के बाद केकेआर के लिए विकेटों की झड़ी लग गई। राहुल त्रिपाठी, इवन मॉर्गन और साकिब अल हसन भी जल्द ही आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी 5 रन के स्कोर पर, वहीं मॉर्गन 7 और साकिब अल हसन 9 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे अधिक 4 विकेट राहुल चहर ने अपने नाम किए। वहीं कुणाल पांड्या ने भी साकिब को अपना शिकार बनाया, जबकि ट्रेंट बोल्ट ने 2 अहम विकेट झटकाने का काम किया। इससे पहले आखिरी ओवर में आंद्रे रसेल की शानदार गेंदबाजी के दम पर केकेआर ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में मुंबई इंडियंस की पारी को 20 ओवर में 152 रन पर समेट दिया। रसेल ने 2 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे मुंबई की टीम आखिरी 5 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 38 रन ही बना सकी। वहीं मुंबई के लिए शानदार लय में चल रहे सूर्य कुमार यादव ने 56 और कप्तान रोहित शर्मा ने 43 रनों की पारी खेली। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की, लेकिन उनके अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। वहीं मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में 49 रनों की पारी खेलने वाले सलामी बल्लेबाज क्रिस लिन की जगह दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को अंतिम 1/10 में मौका दिया था, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो पाए।